जय हिंद बच्चों, हाल चल बा? सब ठीक ठाक बानू? आशा करते सब ठीक हो। आज चलते हमने गए जो पढ़ने नहीं जान, है ना, संख्या किसे कहते हैं, संख्या के बारे में, संख्या के प्रकार। तो आज ओकर सब डिफिनेशन माने ओकर परिभाषा अच्छा तरह समझ के पढ़ल जाए। तो हमने क्या समझ नहीं जा, पहला सवाल बा है ना कि प्राकृत संख्या डिफिनेशन जान लो। जब पढ़ने से डिफिनेशन जान लो जी तो सब चीज जानने में आसान हो जाए। तो पहला बन गया प्राकृत संख्या, प्राकृत जो प्रकृति में रहला ओकरा बारे में के पढ़ जा, है ना। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का अंग्रेजी में क्या कहा जाला, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, है ना, किसे कहते हैं, एक अंग्रेजी में कह सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अंग्रेजी में कह सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो किसे कहते हैं, परिभाषा से ढेर बा, है ना, लेकिन हमें के सिंपल से सिंपल परिभाषा चलने के बाद ताकि हर कोई समझ में आवे। ऐसे एक काउंटिंग नंबर कह जला, प्राकृत संख्या के काउंटिंग नंबर भी कह जला, है ना, गिनती की संख्या, है ना। तो हमने कहा जाए एक से लेकर, है ना, एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक तक की संख्याओं को भी, संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। एक से लेकर अनंत तक, चाहे भी कह सकता कि गिनती वाले, गिनती वाले संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। चाहे भी कह सकते हैं एक से लेकर अनंत तक, माने एक से चालू हुई, क्या चालू हुई, एक से, तो एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में, जैसे हम ले लेंगे एक दो तीन, है ना, चार पांच छ सात आठ, मान इसी तरह बढ़ते बढ़ते हैं हम लोग संख महासंख तक पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना, संख महासंख पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा ये प्राकृत संख्या है, यानी प्रकृति में पाने वाला, है ना, प्रकृति में पाई जाने वाली सब संख्या है, इसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, है, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं इसको, है ना, अनेक नामों से लोग पुकारता है। तो अब इसके बाद आता है तो प्राकृत संख्या, बड़े समझ समझ नहीं जा प्राकृत संख्या के बारे में, है ना, कि एक से लेकर अनंत तक जितना संख्या हो उस सब के हमें कहा जाए, कुछ कहा जाए प्राकृत संख्या कहा जाए। प्राकृत संख्या में सबसे छोटा संख्या का बा एक बा, है ना, आप बड़ी संख्या तो मैंने अनंत तक, बड़ी संख्या का अनंत तक इन्फिनिट। अच्छा एक बार पढ़ जाए क्या चीज पढ़ जी, एक बार पूर्ण संख्या, तब पढ़ जाए क्या पूर्ण संख्या, तब पढ़ जी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर, है ना, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो क्या आप लिखेंगे, पूर्ण संख्या, है ना। तो पूर्ण संख्या क्या, जो मैंने जब जीरो का खोज हुआ था, जब जीरो के खोज हुआ था तो उस समय जीरो लगाकर ये लिखने लिखा जाने लगा। तो क्या कहेंगे, जीरो से लेकर, जीरो से लेकर, जीरो से लेकर अनंत तक, अनंत तक, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, ना, संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं।
एकरा के बढ़िया समझे के बा, पूर्ण संख्या जब जीरो ना रहे, जब जीरो ना रहे तो प्राकृत संख्या रहे, आ जब जैसा ही प्राकृत संख्या में जीरो परिभाषा यह होला कि जब प्राकृत संख्या में जीरो जोड़ने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, आ ना तो सिंपल भाषा में जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, कैसे जीरो से लेकर चाहे जीरो से शुरू होने जीरो से शुरू होने वाले है ना संख्याओं का कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी जीरो से लेकर सबसे अच्छा बात जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को है ना अनंत की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे जैसे क्या हो जाए जीरो एक दो तीन चार पांच छ सात इंक्रीज है ना माने अनंत तक तो दू जाएंगे एक अंग्रेजी में क्या करेंगे व्हाट इज कॉल्ड होल नंबर, व्हाट इज कॉल्ड होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में सब छोटी संख्या जीरो आ बड़ा संख्या तो इन्फिनिट तक कह सकते हैं है ना। अच्छा तो ये हो गई पूर्ण संख्या, अब एक बाद है ना सम संख्या विषम संख्या बारे में है ना सम संख्या लेकर बताते नहीं सम संख्या किसे कहते हैं क्या जी सम संख्या, तो सम संख्या अब सम संख्या किसे कहते हैं तो सम संख्या के पहचाने का सबसे सिंपल तरीका बा है ना सिंपल तरीका है ना जौना संख्या के अंत में जीरो दो चार छ आठ रही जीरो दो चार छ आठ रही है ना वो सम संख्या रही, लेकिन ओकर परिभाषा का बा सम संख्या के कि जिस संख्या में दो से जो चाहे जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, तो यही लिख रहे हम लोग क्या लिखे जो संख्या दो से जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए है ना क्या हो जाए विभाजित मतलब पूरा पूरा कट जाए शेष शून्य आवे, जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए विभाजित हो जाए उसे सम संख्या, उसे सम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं, जैसे जैसे ऐसे तो जीरो भी सम संख्या सम पूर्णांक है लेकिन इसमें नहीं आएगा सम संख्या ही है वो, लेकिन सम संख्या जो दो से पूरा पूरा जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए तो दो से पूरा पूरा भाग लग गया दो चार छ आठ दस बारह चौदह, आ ना तो अगर आप इस तरह कीजिएगा तो क्या कोई भी संख्या ले लीजिए कोई भी संख्या उसमें दो लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए उसमें अंत में चार ले लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए उसमें छह ले लीजिए है ना कोई भी संख्या ले लीजिए कौ अंक ले लीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं है अंत में दो हो जाएगा है ना कोई भी संख्या ले लीजिए है ना उसमें आठ हो जाएगा, तो कहने का मतलब कि जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं सम संख्या, और सबसे आप पहचाने का अच्छा नियम कि सम संख्या है कि नहीं है तो जिस संख्या के अंत में जीरो दो चार छ आठ मान जीरो दो चार छ आठ रही तो हम के समझ जाएंगे कि सम संख्या हो और दो से पूरा पूरा में भाग लग जाए, देखो जीरो दो चार है ना छ आठ मतलब जरा अंत में जीरो दो चार छ आठ रही तो हमारी जान जाए सम संख्या हो और उस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, पहचाने के नियम भाई है सम संख्या को। अच्छा एक बात आता तो सम संख्या हम जा अब आवता मैंने का विषम संख्या कि विषम संख्या किसे कहते हैं है ना विषम संख्या किसे कहते हैं, तो सेम यह परिभाषा हुई लेकिन थोड़ा सा अंतर हुई, क्या अंतर हुई ओकरो पहचाने के नियम बा है ना ये देख लेते जा कुछ विषम संख्या क्या लिखे विषम संख्या किसे कहते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या विषम संख्या वैसी संख्या है जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे शेष बचे कुछ शेष बचे शेष शून्य में शेष बचे है ना, तो क्या लिखे तो क्या हम लोग
कौन प्रश्न लिखे चाहे पहचानने के नियम क्या है कि जिस संख्या के में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा वो क्या है विषम संख्या। देख लीजिए तो क्या लिखेंगे हम लोग वैसी संख्या क्या लिखेंगे वैसी संख्या कैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जिसमें जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं विषम संख्या। अंग्रेजी में क्या कहा जाला है ना ऐसे सम संख्या क्या कहा जाला है ना सम संख्या के इवन नंबर है ना सम संख्या के इवन नंबर और विषम संख्या के ओड नंबर अंग्रेजी में है ना। तो पहले में जानते हैं व्हाट इज कॉल्ड इवन नंबर अब जानते हैं व्हाट इज कॉल्ड ओड नंबर व्हाट इज कॉल्ड ओड नंबर है ना विषम संख्या। तो वैसी संख्या जिसे जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। ये लिखने में थोड़ा छूट जाता है ना बोला तो जाता है लेकिन थोड़ा छूट जाता है तो विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा तो हम लोग पहचाने के नियम बता सकते हैं कि जिस संख्या का 0, 2, 4, 6, 8 न हो वो क्या है विषम संख्या। देखे देखते हैं तो विषम संख्या क्या हो जाएगा एक से चालू होगा एक है ना एक तीन है ना पांच सात नौ ग्यारह तेरह है ना इस तरह हम लोग 15 इस तरह हम लोग बढ़ते चल जाएंगे। तो इसमें हम लोग 15 और ले लीजिए 17 है ना 19 20 21 इस तरह ले लीजिए। अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें आ रहा है 0, 2, 4 ना 0 आ रहा है ना 2 आ रहा है ना 4 आ ना 6 और ना 8 आ रहा है क्या रहा है तो इसका छोड़कर एक आ रहा है 3 आ रहा है 5 आ रहा है 7 आ रहा है 9 आ रहा है ये रहा ना 1, 3, 5, 7, 9 कहने का मतलब तो कहने का मतलब कि जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। पहचाने के नियम क्या है विषम संख्या पहचाने के नियम क्या है कि उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहेगा उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं रहेगा। तो हम चले जाइए विषम संख्या क्या जान जा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है ना सम संख्या विषम संख्या अब एक और जान जा मन के आभास संख्या अगला आभास संख्या किसे कहते हैं है ना आभास संख्या किसे कहते हैं खूब बढ़िया समझे के बाद खूब बढ़िया से पढ़े के बाद आभास संख्या क्या संख्या आभाज एक अंग्रेजी में कहला प्राइम नंबर क्या कहला प्राइम नंबर यही में लिख देता नहीं है ना आभास संख्या क्या कह जाए आभास संख्या किसे कहते हैं आभास संख्या किसे कहते हैं आंसर में क्या हो जाए एक और परिभाषा दो वैसी संख्या आभास संख्या मतलब प्राइम नंबर व्हाट इज कॉल्ड प्राइम नंबर अंग्रेजी में क्या कहा जाएंगे अंग्रेजी में कहा जाए व्हाट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड दो बार हो जिसका गुणनखंड केवल मैंने एक हो और स्वयं हो एक हो और स्वयं हो जैसे मान चलिए दो है दो एक ऐसी संख्या है कि सम भी है और अभाज भी है इसमें एक से भाग लगेगा और दो से भाग लगेगा इसका गुणनखंड क्या होगा दो ही बार होगा। और लीजिए पांच तो पांच में एक से भाग लगेगा और पांच से तो हम क्या लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड दो से अधिक न हो जिसका गुणनखंड दो बार से अधिक न हो चाहे वैसी संख्या जिसमें कुछ भी लिख सकते हम लोग देखिए वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से का से
अपने आप से विभाज हो, अपने आप से विभाज हो, उसे उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या के नाम एक ऋण संख्या भी होला, है ना, और संयुक्त संख्या भी होला। और मैं हम बतेले बने कि अभाज्य संख्या के दूसरे नाम क्या होला, ऋण संख्या, है ना, आपका होला असंयुक्त संख्या। अभाज्य संख्या तो बोले ही बतौला, तो वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से विभाज हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कहते हैं लोग 2, 3, 5, 7, है ना, और क्या हो जाएगा 11, 13, ओके 17, 18 ना हो, 19 है ना, 20 ना हो, 21 वैसे ना हो, 22 ना हो, 23 है ना। तो एक तरह से हमन के ले सकते जा। देखो दो बार एक से कटी दो से कटी, तीन बार एक से कटी तीन से कटी, पांच बार एक से कटी पांच से कटी, सात बार एक से कटी सात से कटी, ग्यारह बार एक से कटी ग्यारह से कटी, तेरह बार एक से कटी तेरह से कटी, सत्रह बार एक से कटी सत्रह से कटी, उन्नीस बार। कहे का मतलब कि जिस संख्या का गुणनखंड दो बार से अधिक न हो, यानी दो बार हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ लेके बाद समझ लेंगे, प्राकृत संख्या समझ जा, पूर्ण संख्या समझ जा, और सम संख्या समझ जा, विषम संख्या समझ जा, अभाज्य संख्या समझ जा, सबके बढ़िया समझे बा। एक प्राइम बती है ना, अगर तीन गो नाम होला कौची कौची वह जान ले बती ले बनी का कह जला, अभाज्य संख्या कह ले जला ऋण संख्या और संयुक्त संख्या। तो यही हमने के आज जाने जाए के बाद फिर हमके और जान जाए। आज बस इतना ही रह जा। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।